हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक, डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच, जीडी यानी जनरल ड्यूटी और यांत्रिक, इन तीनों के बारे में जो इनकी नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद इसकी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या होगी और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में, और एट लास्ट हम बात करेंगे कि इसके लिए फाइनल एडवर्टीजमेंट कब तक रिलीज होगी। एक और चीज़, क्या इसमें टीओटी लागू की जाएगी, उस टॉपिक को भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। इंडिया की जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, और आप अगर अनअकैडमी पे अभी भी ज्वाइन करते हो बैचेस को, तो आप अभी से भी अपनी प्रिपरेशन को, जो कि एनडीए 2 की प्रिपरेशन होगी, उसे बूस्टअप कर सकते हो। बूस्टअप करने के लिए क्या करना होगा, आपको इनरोल करना होगा। इनरोल करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी अनअकैडमी लेकर आ गई है एक बहुत ही बड़ा ऑफर। उसमें क्या है, आपको पता है कि एबी स्टडी 10 यूज़ करने पर आपको 10% का ऑफ मिलता था अभी से पहले, लेकिन 18th to 22nd July तक अगर आप मेरा कोड एबी स्टडी 10 यूज करके कोई भी अनअकैडमी पे एनडीए सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर के इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को अभी से भी बूस्टअप कर सकते हो। सेम चीज है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए, इसके लिए भी टॉप एडुकेटर्स हैं और आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो 18 से 22 जुलाई के बीच में। कोड एबी स्टडी 10 यूज करोगे आपको 20% ऑफ मिलेगा। बड़ा मौका है आपके पास, जल्दी से जाकर इनरोल कर लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रैक एनडीए 2022 इन 45 डेज के बारे में, ये है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी विद टॉप एडुकेटर्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है एक गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म को फिलअप करो, मेरा कोड एबी स्टडी 10 डालो उसमें, उसके बाद मैं डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करूंगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, वो क्लियर करूंगा। ये आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाकर के आपको वहां पे फिलअप करना है, फिर वेट करना है, मैं तुरंत आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करूंगा। तो इनरोल करो और इसका भी फायदा आप उठाओ जल्दी से। तो कोस्ट गार्ड की जो भी चीजें वो क्लियर होती हैं, कोस्ट गार्ड ने अपनी रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो भी बता रखी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले तो हम कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट साइकिल देख लेते हैं, यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पे क्लिक कर देता हूं मैं, और यहां पे आते ही आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट साइकिल, आईसीसी कैरीज आउट बाई एनुअल रिक्रूटमेंट फॉर नाविक जनरल ड्यूटी एज पर द फॉलोइंग टेंटेटिव शेड्यूल। यहां पे सारी चीजें दी गई हैं कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कब होगी, स्टेज 1 रिटन एग्जाम, स्टेज 2 पीएफटी मेडिकल, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। यहां पे देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन हुई थी जुलाई में, और उसके बाद स्टेज 1 जो एग्जामिनेशन था वो मिड सेप्टेम्बर में कंडक्ट कराया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। दूसरे बैच की साइकिल भी यहाँ पे दी गई है जो दिसंबर में निकाली जाती है, यानी एक जुलाई में एक दिसंबर में निकाली जाती है। तो अभी ये मंथ जो है वो जुलाई का मंथ है, और आपको बता दूं कि 11 जुलाई से पिछली बार शायद, अगर मैं कंफर्म हूं तो 11 जुलाई से ही इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज 13 जुलाई है, अभी तक कुछ ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये इसलिए हुआ बिकॉज जो अग्निवीर वाला सिस्टम हुआ और बाकी सारे चेंजेस आए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर, इस वजह से शायद ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं, लेकिन ज्यादा डिले नहीं करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड, इस बात को लेकर आप श्योर रहना। बहुत ही जल्दी इसके लिए आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो आपने देखा होगा कि एमआर के लिए थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम कर दी गई हैं इस बार इंडियन नेवी में, कहीं ना कहीं मुझे इसका रिलेशन इससे लगता है कि ट्रेनिंग इसके साथ में होती है। किसके साथ, कोस्ट गार्ड के बैच के और नेवी की साथ में ट्रेनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं दो बैचेज अब साथ में ट्रेंड होंगे, एक तो नेवी का ये होगा और दो बैचेस कोस्ट गार्ड के होंगे, तो मे भी ऐसा हो सकता है, ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते ऐसा। उसके बाद अगर बात करें अब किसके लिए वैकेंसीज, तो वैकेंसीज कंफर्म है कि जुलाई में ही रिलीज की जाएंगी, अब किसी भी दिन इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज की जा सकती हो, और इस बार जल्दी ही ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन इसकी सितंबर अक्टूबर में ही होगी, तो ये आप लोग श्योर रहना कि सितंबर अक्टूबर में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेंगे। आगे अगर हम बात करें इसके एज लिमिट के बारे में, तो उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना होगा और यहां पे क्लिक करना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, 18 साल से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए, 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए मिलेगा, और अदर रिजर्व्ड के लिए 3 इयर्स ओबीसी के लिए, जो ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए। क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होनी चाहिए आपकी, अगर आप
जीडी के लिए देना चाहते हो तो, अगर आप डीबी के लिए करना चाहते हो तो 10th पास होना जरूरी है, और अगर आप जाना चाहते हो यांत्रिक में तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, और अगर आपने स्टार्ट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू करे रखो, और बाकी कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी दिक्कत होती है, मुझसे आप पूछ सकते हो। बाकी एक और चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो 100% वैकेंसी लेकर आएगी, तो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी कोस्ट गार्ड की, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, कोस्ट गार्ड वैकेंसी जरूर निकालेगी, तो आप लोग श्योर रहो और अच्छे से तैयारी करो, कोई भी कंफ्यूजन मन में मत रखो। इस वीडियो में मुझे यही क्लियर करना था, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हाँ चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।